गाइस मैं नलिनी। गाइस आज हम जानेंगे कि एक लीटर डीजल में भारतीय ट्रेन कितना एवरेज देती है। दोस्तों पहली तो बात यह है कि भारतीय ट्रेन इंजनों में तीन तरह की डीजल टंकियां बिठाई जाती है, उसमें से पहली होती है 5000 लीटर की, दूसरी 5500 लीटर और तीसरी होती है 6000 लीटर की। दोस्तों हम सभी लोग ये जानते हैं कि गाड़ी पर जितना ज्यादा लोड होता है उतनी ही गाड़ियां कम एवरेज देती है। यही बात मैच करती है डीजल इंजन को भी। दोस्तों डीजल इंजन में भी एवरेज तय किया जाता है गाड़ी के लोड पर। अगर ट्रेन 24 डिपो वाली है तो उसमें लगभग 6 लीटर डीजल खर्च होता है एक किलोमीटर चलने के लिए, और वहीं पर अगर ट्रेन 12 डिपो की है और वो पैसेंजर ट्रेन है उसमें भी लगभग 6 लीटर डीजल एक किलोमीटर के लिए खर्च होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि डिब्बे कम होते हैं और ट्रेन पैसेंजर होती है तो वो हर एक स्टेशन पर रुकती है। ऐसे में स्पीड कम करने में, ब्रेक लगाने में और फिर से स्पीड बढ़ाने में बहुत ज्यादा डीजल खर्च किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेनों की तो उसमें भी लगभग एक किलोमीटर के लिए 4.5 लीटर डीजल खर्च किया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेनें बहुत फास्ट चलती है और बहुत कम स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।